Hello everybody, good morning, hope you all are doing great. You're watching Travel on Wheels with Abhishek and Jyoti. Today is day 2 of our road trip to Ladakh. So day 1 mein we have completed from Pune to Indore, and day 2 aaj hum log chal rahe hain from Indore to Delhi. So Indore to Delhi is around 850 kilometers. It would take somewhere around 13 to 14 hours. So we have started somewhere around 6 o'clock from Indore. So yaar kal ka din bahut sahi tha. यू माइट हैव सीन द व्लॉग. और यार भयानक बारिश हुई थी तो गाड़ी बहुत गंदी हो गई है, तो बाहर का तो अभी क्लीन हो नहीं पाएगा बिकॉज वाटर वॉश तो अभी यार कहीं करेंगे, बट ग्लास अपन क्लीन कर लेते हैं, क्लीन करके निकलते हैं. वैसे वी हैव कम्प्लीटेड अराउंड 50 किलोमीटर्स. अभी आई शो यू स्टेटस क्या है रोड का. 808 किलोमीटर्स लेफ्ट, 12 hours एंड 7:30 तक पहुँच जाएंगे. और ये हम लोग कुछ ऐसे स्टेट हाईवे में हैं, तो अभी बाहर निकलते हैं. ये आप देख सकते हो जो विंडशील्ड बहुत गंदा हो गया, तो इसको क्लीन करते हैं. ये है डे 2 ऑफ आवर ट्रिप और हमारी गाड़ी इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है. कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई इंदौर में, तो अभी गाड़ी तो साफ नहीं हो सकती है, बट हाँ विंडशील्ड क्लीन करके फिर हम निकलेंगे. कल रात बहुत ज़्यादा बारिश, हवा बारिश हुई है, तो रास्ते में बहुत सारे गिरे हुए पेड़ हमें मिले, तो यही एक दिक्कत तो होती है. मतलब इन केस आप कहीं जा रहे हो बहुत ज़्यादा हवा हुई, तो यार डोंट पार्क योर कार्स अंडर द ट्री. देखो यहाँ कुछ कुछ डालियाँ गिरी हैं अभी रास्ते में, तो लिटरली 3-4 पेड़ ऐसे पूरे पूरे पेड़ गिर गए. करेक्ट, यहाँ भी देखो लेफ्ट साइड में ये गिरा हुआ है. तो यहाँ से महाकाल जी का मंदिर जो है वो 6 किलोमीटर है, और ये है महामृत्युंजय द्वार. तो बोलो महाकाल महाराज की जय. सो वी हैव जस्ट क्रॉस्ड उज्जैन. तो महाकालेश्वर जी का थोड़ा दूर से तो दर्शन हो ही गया, बट हम लोग को बहुत जल्दी जाना है. देखते हैं अगर हो सके तो आते वक्त चलेंगे. तो इंदौर से उज्जैन का डिस्टेंस है अराउंड 55 किलोमीटर्स, तो आपको समवेयर अराउंड 1 hour to 1 hour 12 minutes लग जाते हैं. रोड उतना ज़्यादा ठीक नहीं है, बीच में हल्के फुल्के पैच है, पैच वर्क है. दिल्ली जाते वक्त 2-3 मेजर सिटीज आते हैं, जैसे कि अपना उज्जैन हो गया, फिर कोटा, फिर आता है अपना जयपुर. बट कोटा और जयपुर के हम लोग आउटर से होके निकलेंगे, जैसे कि हम लोग उज्जैन का लिटरली सिटी के अंदर से निकले थे, तो वैसा केस नहीं रहेगा विद कोटा एंड जयपुर. बट नेवरदलेस फ्रॉम इंदौर कोटा इज समवेयर अराउंड 318 किलोमीटर्स, दैट वुड टेक 5 hours 51 minutes, और अपना जयपुर पड़ेगा 567 किलोमीटर्स, दैट वुड टेक अराउंड समवेयर 10 hours आप पकड़ लो. तो यही मोटा मोटी जो अपना रूट है. तो उसके बाद तो यार दिल्ली आ जाता है, गुरुग्राम होते हुए हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे. तो दिल्ली वही ऑलमोस्ट आप पकड़ लो 13 to 14 hours तो लगी जाती है फ्रॉम इंदौर. और हम लोग का बहुत ज़्यादा मन था कि हम लोग ब्रेकफास्ट कर ले उज्जैन में. ज्योति का तो भारी वाला मन था पोहा खाने का, बट बहुत ज्यादा भीड़ था यार सिटी में. सुबह का टाइम है, टाइम इज समवेयर अराउंड कितना बज रहा है अभी, 7:58, बट बहुत ज़्यादा भीड़ था. तो हम लोग सिटी के आउटर में हैं, उज्जैन के आउटर में, एंड वहाँ हम लोग को मस्त पोहा एक भैया है वो बना रहे हैं, हम लोग वहाँ चलते हैं और पोहा खाते हैं. क्या खाना है ज्योति? पोहा जलेबी. तो चलो अब एमपी आके पोहा जलेबी नहीं खाए तो क्या ही है ना. चलो तो गाड़ी का हाल देख सकते हो. कल यार बहुत बारिश हुई थी एज आई टोल्ड यू इंदौर पहुँचने से पहले, तो ये हाल है. और कुछ ऐसे जगह में हम लोग ने पार्क कर लिया है, थोड़ा सा शेडो है एंड वहाँ मिलता है पोहा, तो अभी वहाँ चलते हैं. चलो तो ये रहा पोहा, उज्जैन वाला है ना, इंदौर वाला नहीं है शायद. ये कैसे टेस्ट, इंदौर वाला है उज्जैन वाला है? टेस्ट सेम है, ठीक है. खा भी लिया, पैक भी करा लिया. देखो यार ऐसे है कि मन तो सब कुछ खाने का है, बट पेट में जगह थोड़ी सी है, तो जो बना वो खा लिया, बाकी पैक करा लिया. सही. चलो अभी द रोड्स आर स्पॉट ऑन, और
अभी हम लोग चल रहे हैं टूवर्ड्स कोटा। तो उज्जैन तो हम लोग पार कर लिए हैं, तो अभी दिल्ली इट्स अबाउट 746 किलोमीटर्स, विल रीच बाय 8:10। ब्रेकफास्ट ये सब करने में तो यार वक्त लग ही जाता है और थोड़ा सा टाइम वहाँ कंज्यूम हो गया। ये वाली रोड ना आई थिंक न्यूली कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि दो महीने पहले जब हम आए थे तब ये ना इतना मतलब यहाँ ना अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी ना एकदम फ्लॉलेस हो गया बस। हाँ नए रोड्स हैं, न्यूली कंस्ट्रक्टेड। हाँ रोड्स आर स्पॉट ऑन। तो यार इन केस यू आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली, यू आर गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम इंदौर, रोड्स आर जस्ट ग्रेट। बीच में हल्का फुल्का पैचेस मिलेगा, दैट टू बिफोर उज्जैन, दैट्स इट। रेस्ट रोड्स आर गुड टिल नाउ। आगे का अपडेट तो आपको मिलता ही रहेगा। तो ये है अपना उज्जैन आगर रोड। आगर यहाँ से 35 किलोमीटर्स है एंड इट वुड टेक समवेयर अराउंड 35 to 36 मिनट्स टू रीच। मतलब रोड तो यार सही है, कोई दिक्कत नहीं है स्टिल आगर। तो अभी टाइम हुआ है 8:46 और अपना माइलेज भी 15.5 दे रहा है एज ऑफ नाउ। 15.5 दे रहा है, कहीं नहीं तो 15 तो पकड़ ही लो। तो यार हाईवे में इसका माइलेज तो यार बहुत सही है। और एज वी आर गोइंग ऑन सम वन ऑफ द डिफिकल्ट टेरेन्स इन द वर्ल्ड, तो वहाँ भी अपना थार का माइलेज चेक करेंगे। डेफिनेटली वहाँ इतना ऑक्सीजन नहीं रहेगा जो कि यहाँ ग्राउंड लेवल पे है, तो डेफिनेटली माइलेज ड्रॉप तो करेगा एंड दैट टू इट्स अ डीजल इंजन। तो नेवरदलेस विल मार्क दैट एज वेल कि वहाँ माइलेज क्या रहता है क्या नहीं, एंड एक एवरेज जो माइलेज है जो रिटर्न में पता चलेगा व्हेन वी रीच पुणे, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड यू विल गेट टू नो थार कैसे परफॉर्म करती है हाईवेज में। हाईवेज में तो यार एज ऑफ नाउ इट्स जस्ट स्पॉट ऑन। एंड लद्दाख में कैसे परफॉर्म करती है, कश्मीर में कैसे परफॉर्म करती है, हर जगह का आपको डेफिनेटली स्पॉट ऑन अपडेट्स मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड। तो मम्मी पापा जो दिल्ली पहुंच रहे हैं और मम्मी पापा भी ये ट्रिप में हम लोग को ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम दिल्ली। तो आज चलेंगे, आज उन्हें पिक करेंगे फ्रॉम दिल्ली और उन्हें भी हमारे साथ लेके चलेंगे ये ट्रिप पे। वेदर प्रेडिक्शंस में दिखा रहा है यहाँ भी बारिश हो रहा है, बट डोंट फाइंड एनी रेन दो। तो यार कोटा यहाँ से 150 किलोमीटर्स है और राजस्थान आई बिलीव ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स में तो पहुँच ही जाएगा। और हम लोग एक्चुअली अभी टैंक मोर देन हाफ, थोड़ा सा मोर देन हाफ है और इट वुड गो समवेयर अराउंड 450 किलोमीटर्स। यस 454 जाएगा जितना भी डीजल है। तो हम लोग यही प्लान कर रहे थे कि राजस्थान में डालते हैं, बिकॉज राजस्थान में इट्स 93 एंड एमपी में 95 है, 95 पॉइंट समथिंग है, राजस्थान में 93 है। तो अब चलो लेट्स सेव समथिंग, राजस्थान में डाल देते हैं। एंड राजस्थान के बाद तो अभी ऑलमोस्ट सब जगह हमको कम ही मिलेगा, अपना दिल्ली हो गया, फिर हरियाणा, पंजाब, फिर हिमाचल, अपना जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, वो तरफ सब तो अभी कम ही मिलेगा। तो हम यहाँ भी एक पेट्रोल पंप में रुके थे डीजल डलवाने। तो यहाँ का यार दिक्कत ये है कि डेंसिटी ना ज़ीरो दिख रहा है, तो इट्स ऑलवेज एडवाइस कि यार ज़ीरो दिख रहा है तो मत डालना, बिकॉज अभी आपको नहीं पता उसका क्या रहेगा, बिकॉज डीजल का एक यूनिट होता है और पेट्रोल का अलग होता है। तो इतना डेंसिटी अगर नहीं दिखेगा तो बोलते हैं नहीं डालना चाहिए, सो इट्स ऑलवेज एडवाइज्ड। सर हमने अभी डीज़ल कर लिया फुल, हम लोग अभी है राजस्थान में। तो यहाँ प्राइस चल रहा है 94.29, तो और यहाँ पेट्रोल है यार 112। तो ये डीजल का प्राइस है 94.29। तो ये वो डेंसिटी विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये आप डेंसिटी हमेशा देख लो डालने से पहले, सो दैट गुड। बारिश वाला मौसम तो यार किया है, तो हमने एक शॉर्ट ब्रेक ऐसे लिया है, गाड़ी को बीच बीच में रेस्ट दे दे के चलाते हैं। और कोटा यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर्स है,
एंड वी आर गोना रीच मे बी नेक्स्ट 1.5 या 2 आवर्स। वहाँ पे एक बहुत सुंदर माता जी का मंदिर था, बट वो बहुत पीछे रह गया, बट बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर था। एंड यहाँ पे एक छोटा सा एक ढाबा है। गाड़ी का हाल देखो यार, एकदम धूल हो गया है। ये गाड़ी मैली भी अच्छी लगती है, आई डोंट नो वीडियो में कैसा लगता है, बट धूल में सही दिखती है। बट एज़ फार एज मैंने जितना वीडियोज़ में देखा है, वीडियो में तो यार उतना लुक इसका निखर के नहीं आता जब धूल में रहता है। इसका लुक जब पूरा एकदम जो नीट एंड क्लीन रहता है तभी सही दिखता है, बट ऐसे आप नेकेड आई में देखो तो यार धूल में भी बहुत सही दिखती है। फाइनली अपन नेशनल हाईवे 52 पे पहुंच गए हैं, और ये लेगा अपन को कोटा, फिर जयपुर, बट सबका आउटर होते हुए लेगा और डायरेक्टली अपन को जोड़ेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे में। तो वहाँ से अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड है, तो ज़्यादा भी दिक्कत नहीं है। तो अभी तक यार रोड्स बहुत सही थे, और आप देख सकते हो जैसे बूंदी है यहाँ से 134 और टोंक है 247। तो यस, और अभी दिल्ली पहुँचने में है 609 किलोमीटर्स, एंड अभी दिखा रहा है 838। तो लेट्स सी, मैक्स 9 या 9:30 तक तो अपन ट्राई करेंगे पहुँच ही जाने। तो अभी 12:39 हो रहा है आफ्टरनून का, और दिल्ली पहुंचने में 525 किलोमीटर्स लेफ्ट। तो यार ये बैरन लैंड्स और ये स्कॉर्ची हीट देख के इट्स क्वाइट एविटेबल कि हम लोग तो राजस्थान में ही हैं, बट यार यहाँ के आफ्टरनून साइमस से मतलब फुल ऑन गर्मी है। We have stopped our car in front of a dhaba. So we'll have a lunch here today. तो चलो यहाँ नहीं बैठते, वहाँ खटिया में बैठते, चलो जो थे। तो मस्त यहाँ खटिया में पालती मार के बैठे हैं, और यहाँ अपन खाएंगे पाटा में। ढाबा में बैठ के खाने का मज़ा अलग है यार। बहुत टाइम से मन था, हम लोग अभी पंजाब जा रहे हैं ना, तो देखते हैं वहाँ भी ट्राई करते हैं। तो मम्मी पापा को भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ढाबा में ऐसे अरेंजमेंट में बैठ के खाना, बिकॉज अपने यूजुअल सिटी लाइफ में तो वो सब रेस्टोरेंट में जा के यू नो लाइक पक गए हैं। तो समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स ये सब बहुत अच्छा लगता है। कभी भी आप कुछ ऐसे प्लेसेस जा रहे हो टूवर्ड्स राजस्थान पंजाब, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस करो। इनफैक्ट उड़ीसा में भी बहुत सारा ऐसा है, आई हैव सीन एमपी में भी है ना ज्योति ऐसे, करेक्ट। तो इंडिया में यार सब तरफ है अपना ढाबा, तो जाओ बाहर हाईवे में जाओ तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस करो। रेगुलर रेस्टोरेंट्स तो यार सब जाता है। अपना मटर पनीर आ गया है, बहुत सेक्सी दिख रहा है, टेस्ट तो गजब होगा नहीं, खा के पता चले, देख तो सही दिख रहा है यार। रोटी आना तो बस ट्राई करते हैं। हम लोग का लंच हो गया, एक ग्लास छाछ मिल जाए आफ्टर लंच और क्या ही चाहिए। मतलब मेरा तो यार ऐसा है गर्मी में लस्सी या फिर छाछ, या फिर ऐसे इवनिंग के टाइम पे गन्ने का जूस, या फिर आफ्टरनून में भी गन्ने का जूस मिल जाए, आहा। और इवनिंग में आज मम्मी पापा से मिलने वाले हैं, उन लोग आ रहे हैं दिल्ली, तो वहाँ से उन लोग को पिकअप करेंगे। हाँ दैट्स ट्रू, तो वहाँ से पिक करेंगे एंड हम लोग चलेंगे टूवर्ड श्रीनगर। आज नहीं कल सुबह चलेंगे, आज हम लोग एक होटल में स्टे कर रहे हैं नियर एयरपोर्ट, तो वो भी आपको दिखाते हैं वंस वी रीच। कुछ ऐसा सिनेरियोज है, मतलब ये रहा हमारा कार और ऐसे लाइन में नीलगिरी पेड़ है, तो बहुत सही लगा ये प्लेस। सो दैट्स द रीज़न हमने यहाँ थोड़ा पोज वोज दे के मस्त फोटोग्राफ्स ले लिया। चलो चलते हैं लाल सॉट। तो यार दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस हाईवे 1 किलोमीटर बाद शुरू होने वाला है, और अलवर है 153 किलोमीटर। तो हम उसी एक्सप्रेस हाईवे का वेट कर रहे हैं बहुत देर से। करेक्ट,
जयपुर 102, आगरा 219, दिल्ली 278 किलोमीटर्स लेफ्ट. तो वी आर गोइंग टू दिल्ली और आज शाम तक मैक्स 8:55 तक है हम लोग का अराइवल. पहुंच जाएंगे अपन दिल्ली 120 है. जैसे कि ये आपको बोर्ड दिख रहे जहाँ पेट्रोल रेस्टोरेंट्स और क्या रहता है, गेस्ट हाउस रहता है, आप रेस्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ रहता है, हॉस्पिटल्स भी रहता है. आई डोंट थिंक कुछ ओपन है. वही अभी एंट्री ले रहे हैं हम, रेस्ट एरिया में भी खुला है कि हाँ यहाँ पे, हाँ हाँ खुला है यहाँ पे, खुला है क्या, हाँ हाँ इंडियन का है. तीन रेस्ट एरिया छोड़ के चौथा रेस्ट एरिया में खुला है यहाँ से, अगर हम इधर से आते हैं. सर ये अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है और ये रहा इसका रेस्ट एरिया. वहाँ पेट्रोल पंप भी आपको मिल जाता है और प्लस चार्जिंग स्टेशन भी है, इलेक्ट्रिक का चार्जिंग स्टेशंस. तो यहाँ आराम से आप आओ, चार्जिंग स्टेशन भी मिल जाएगा और यहाँ खाने के लिए भी एक का फूड कोर्ट है. और ये रही अपनी गाड़ी और ये रही अपनी चाय. सही यार, मतलब आप जो यहाँ अपना वॉशरूम्स भी है, तो इन केस आप लोग इतना लॉन्ग हाईवे में जाते हो तो वॉशरूम का तो इशू नहीं होगा. ये हाईवे में स्पेशली रेस्ट रूम्स है तो दैट्स द प्लस पॉइंट. दिस इज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे. चीयर्स. तो दिस ट्रिप इज स्पॉन्सर्ड बाय वंडरलूम्स. चीयर्स टू द स्पॉन्सर. वंडरलूम्स इज एन ऑनलाइन अपैरल एंड एक्सेसरीज ब्रांड स्टोर. It's totally dedicated to all the travel enthusiasts over there. जब इतना facilities मिलता है तो जो भी तुमने use किया कैसे रहा, मतलब मतलब clean है? Clean है? Okay, washrooms भी clean है. फिलहाल तो clean है. Okay, सही है यार. देखो यहाँ cameras भी लगे हैं. Nice. और इसका है 120 तक आप जा सकते हो max speed ये highway में. और अभी तक हमारा mileage दे रहा है 16.2. तो वी हैव फाइनली रीच्ड दिल्ली और 35 किलोमीटर्स लेफ्ट टू रीच आर डेस्टिनेशन. मतलब उसके बाद हम लोग होटल चलेंगे एंड देन विल साइन ऑफ फॉर द डे. द टाइम इज 8:48 राइट नाउ और देख सकते हो विल रीच द डेस्टिनेशन ऑन